Chappelle Cut. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट. आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सपेंडेड फॉर्म. एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको बता चुकी हूँ कैसे लिखना है. हम स्टार्ट करते हैं. फिल इन द बॉक्सेस. ठीक है, यहाँ पे लिखा है 1616. तो 1616 में टेंस कितने होते हैं आपको यहाँ लिखना है. तो कितने टेंस होते हैं? 1 टेंस होते हैं. ठीक है, 1 टेंस होते हैं और 6 वंस हो जाएंगे अपने. इनको अगर ऐड करेंगे तो 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 16. ठीक है, 1 टेंस मतलब 10 होगा. एक किसी का भी बंच 10 होना चाहिए. ठीक है, उसमें 10 थिंग्स होनी चाहिए, वस्तु होनी चाहिए. अब यहाँ लिखा है 10 कितने होंगे यहाँ पे? 1 होगा, 1 टेंस होंगे. और वंस कितने होंगे? 0 होगा. ठीक है, 1 टेंस होंगे और 0 वंस होगा. अब 26 में 2 जो आगे 2 लिखा है, 2 टेंस हो जाएगा और 6 क्या हो जाएगा? वंस हो जाएगा. ठीक है, मतलब 2 10 1 10 10 2 20 20 प्लस 6 क्या हो जाएगा? 26. अब यह 4 5 45 4 आपका क्या हो जाएगा? 4 टेंस हो जाएंगे और 5 क्या हो जाएगा? वंस हो जाएगा. वैसे ही 1 7 17 1 क्या हो जाएगा? टेंस हो जाएगा. और 7 क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा. ये आपको पूरा फील करना है यहाँ तक. अब नेक्स्ट वाला जो दे रखा है वो भी सेम इसी तरह से आपको करना है. ठीक है, 2 टेंस एंड 4 वंस, 3 टेंस एंड 9 वंस, 2 टेंस एंड 2 वंस. आपको ये सारा कंप्लीट करना है. अब हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर्स इन एक्सपेंडेड एंड शॉर्ट फॉर्म. ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है जैसे 10 10 10 कितने हो गए? ये 30 प्लस 3 कितने हो गए? ये 10 10 10 30 टेंस. अब हम आगे नेक्स्ट पेज पे पढ़ने वाले हैं नंबर्स इन एक्सपेंडेड एंड शॉर्ट फॉर्म्स. ठीक है, यहाँ पे हमने बोला था कि एक बंच 10 का होता है तो वो बंच पूरा क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है. ठीक है, अब यह बंच कितने बंच दे रखे? 1 2 3 पर बंच कितने का है? 10 10 10. ठीक है, तो हमने लिखा 3 टेंस 1 2 3 बंच 3 टेंस, यानी एक बंच 10 का है. अब यहाँ 1 2 3 ये लिखा 3 वंस, यानी 3 पेंसिल वंस की. तो 10 10 10 कितना हो गया? 30 प्लस 3 33. अब नेक्स्ट है, अब यहाँ पे कितने का बंच है? 10 का बंच. 10 का बंच कितना होगा? 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 21. तो कितने टेंस बनेंगे? 2 टेंस प्लस 1 वंस, तो कितने हो गया? 21. अब यहाँ पे कितने का बंच है? 1 बंच है, इसलिए लिखा 1 10. एक बंच में कितनी पेंसिल होती है? 10 प्लस 1 2 कितनी है? 2. तो यहाँ क्या जाएगा? 2. तो क्या होगा? 10 प्लस 2 12. ठीक है, अब यहाँ कितने बंच है? 1 2 3 4 4 बंच है, यहाँ 4 लिखा हमने. फिर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, कितने 6 वंस है हमारे पास. ठीक है, अब यहाँ पे पर वंच कितने का होता है? 10 10 10 10. 1 2 3 4 कितने हो गए? 40 प्लस 6 बराबर 46. ऐसे सारे सवाल आपको सॉल्व करना है. अब हम पढ़ेंगे शॉर्ट फॉर्म. ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है 10 प्लस 7, इसको आपको ऐड करके लिखना है. 10 प्लस 7 कितना होता है? 17. 1 7 17. 2 0 20 प्लस 6 कितना होता है? 2 6 26. 30 और 4 कितना होगा? 34. 40 प्लस 8 कितना होगा? 48. ये आपको सारे शॉर्ट फॉर्म लिखना है. ठीक है, इधर राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म. यहाँ पे आपको क्या करना है? इनके एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है. 36 36 36 आप कैसे लिखेंगे? 36. तो हम पहले लिखेंगे 30 प्लस 6, तो क्या आ जाएगा? 36. अब यहाँ लिखा 48, क्या रहा? 40 प्लस 8 48, यहाँ 59. तो 50 प्लस 9 59.
61, 60 प्लस 1 मतलब कितना हो गया 61, 72, 7 प्लस 70 प्लस 2 मतलब 72, ये सारे फॉर्म आपको करना है। अब हम लिखेंगे राइट इन लॉन्ग फॉर्म। लॉन्ग फॉर्म में कैसे करते हैं, 40 लिखा अपने, 40 प्लस 0, ठीक है, तो क्या आएगा इसको जोड़ने पर 40 आएगा। अब यहाँ पर भी 70 प्लस 0 क्या आ जाएगा 70। अगर कोई भी नंबर्स में हम 0 जोड़ते हैं तो नंबर्स वही आता है जो है हमारे पास, 80 प्लस 0 तो क्या आ जाएगा 80। 56 का क्या आएगा, 50 प्लस 6 56, 90 प्लस 8 98। इसी तरह आपको सारे सम सॉल्व करना है मैचिंग बाय करेक्ट ग्रुपिंग। आपको ये होमवर्क में सारा सॉल्व करना है। इसमें जैसे दे रखा है 3 tens and 7 ones, तो मतलब क्या है 37, कहाँ लिखा है 37, इसे आपको मैच करना है। ये सारा आपको मैच करके मुझे व्हाट्सएप पर सेंड भी करना है। नंबर्स काउंटिंग अप टू 100, आपको ये वाला पेज, पेज नंबर 43, 44 45 46 47 और 48, ये सारा आपको होमवर्क में करना है और मुझे व्हाट्सएप पर सेंड भी करना है, और साथ ही साथ आपको कॉपी स्कूल पे चेक करने भेजना भी है। ठीक है, थैंक यू।